नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऋषि लक्ष्मी से जुदा होने के बाद में अब ऋषि यहां तक कि लक्ष्मी को लाने के लिए एक बार फिर से मुहिम करता हुआ नजर आने वाला है। ऋषि ने मलिष्का से बोल दिया है कि अगर इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी फॉल्ट निकला तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकती। और यहीं पर ऋषि ने अपनी मॉम नीलम को भी वही आदेश दिया है, नीलम से बोल दिया है कि अब तक मैंने आपकी दखल अंदाजी अपनी लाइफ में मॉम बहुत ज़्यादा की है, लेकिन अब प्लीज़ अगर आप अपनी इज्जत वाकई में चाहते हो कि आपकी रेस्पेक्ट मेरे दिल में यूँ ही बनी रहे, तो कृपया करके मेरे जीवन में किसी भी तरीका से हेर फेर मत कीजिए। आप लोग जानते हैं कि ऋषि का ये बिल्कुल अलग ही सोचना है, और सोचना भी बिल्कुल वाकई में क्लियरली है, क्योंकि ऋषि मानता है कि किसी भी तरीका से अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, हर सूरत में, हर कीमत पर। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी में एक नहीं बल्कि समय कई ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो वास्तविक बेहद ज़्यादा बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बरकरार बनी हुई है। कन्फ्यूजन की स्थिति आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर साफ साफ बोलना ये है इस समय आखिरकार मलिष्का का कि किसी भी कीमत पर मैं शादी नहीं होने दूंगी, दोबारा ऋषि और लक्ष्मी को एक नहीं होने दूंगी। हालांकि ऋषि ने अब ये भी तय कर लिया है कि मलिष्का को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाने वाला, हो सकता है तो मलिष्का की अब एंट्री भी बैन करने वाला है आखिरकार इस घर से, क्योंकि दोस्तों मलिष्का का इंटरफेयर ही कुछ इस तरीका का रहा है लाइफ में बेहद ही ज़्यादा अलग तरीका से। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा।